बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जावेद इकबाल हूँ। तो दोस्तों, आज के हम रिव्यू में आपके लिए लेकर आए हैं सुजुकी एफ एक्स। गाड़ी अच्छी है, साफ़ गाड़ी है और बहुत सस्ती गाड़ी है, मॉडल भी अप है। तो आपको इस गाड़ी का रिव्यू चेक कराएंगे। बड़ी मुनासिब पैसों की गाड़ी है, यकीन माने आप कीमत सुनेंगे तो आप कहेंगे कि जो इस एफ एक्स के शौकीन हजरात हैं वो तो इस तरह की गाड़ियाँ लेते हैं, जो है ना एफ एक्स तो वो किसी सूरत नहीं छोड़ते। बहुत शौक रखते हैं, हर बंदा अपना अपना शौक रखता है, कोई सुजुकी का रखता है, मेहरान का, कोई एफ एक्स का। तो आज जो हम आपको रिव्यू कराने वाले हैं, ये बड़ी अच्छी गाड़ी है और बहुत सस्ती गाड़ी है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, गाड़ी की तमाम तर जो मालूमात है वो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें दोस्तों, आपको गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करवाते हैं, चेक कराते हैं गाड़ी की सारी चीज़ें। दोस्तों, ये वाली गाड़ी है जिसकी हम आज आपको रिव्यू चेक करवा रहे हैं। गाड़ी बाहर से शायद जो है ना आपको बन वगैरह का रंग थोड़ा सा रफ़ हुआ हुआ है, जो है ना वो जो है ना रंग इसका फेड हो गया बिल्कुल ही। तो बाकी गाड़ी अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी, लाए रेम वगैरह इसमें लगे हुए हैं, सीटी वगैरह भी ठीक है, सिलेंडर भी लगा हुआ है सीएनजी पे, इंजन वगैरह गाड़ी का बिल्कुल ठीक है, हमने खुद ट्राई ली है। तो इस वजह से जो चीज़ें मेरे जहन में है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। चलने में ठीक है गाड़ी, के एसी वगैरह का कोई काम नहीं है, मैकेनिकली गाड़ी यानी बिल्कुल ज़बरदस्त है और टायर वगैरह भी सही है, लोकल में चल जाएंगे जो है ना, क्योंकि गाड़ी में लोकल में अगर कमज़ोर भी हो तो वो चल सकें जो है ना, उसका मसला नहीं। रंग ये है कि अगर आप कहते हैं कि रंग इसका ख़राब हुआ है तो वो बाहर से स्प्रे हो जाएगा, शावर्ड हो जाएगी गाड़ी। तो गाड़ी में पुटीन वगैरह इतनी कोई ख़ास नहीं है, हल्की फुल्की पुटीने हैं, एक्सीडेंट नहीं है गाड़ी में, मैंने एक्सीडेंट भी नहीं है, गाड़ी बिल्कुल ओके है। चेसिस वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी इसकी ठीक क्लियर है, फाइल वगैरह ठीक है। तो आपको चेक कराते हैं, जो भी शौकीन हजरात हैं एफएक्स के, अगर कोई लेना चाहें तो वो रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ऑलरेडी बाकी वीडियो में मेरा नंबर मौजूद है, तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको भाई से रब्ता करवा देंगे, गाड़ी आपको चेक करा देंगे। तो ये आपके सामने गाड़ी की कंडीशन, मुकम्मल गाड़ी एक दफ़ा आपको मैंने बाहर से चेक करा लूँ तो फिर अंदर से भी गाड़ी की कंडीशन आपको चेक करा देती है। ये बॉनेट का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो बाकी बॉडी की का भी कलर ख़राब है लेकिन बॉनेट का कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो अंदर से कंडीशन आप देख लें, अंदर से गाड़ी बिल्कुल ठीक है अपने हालत में, बाहर से तो ज़ाहिर बात है इतनी पुरानी मॉडल गाड़ी होती है, बाज़ों के पास जेन्युइन कंडीशन में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर से शावर्ड हुई होती है, एयर पेंट हुई होती है। तो ये गाड़ी भी बाहर से पेंट ही है और अंदर से गाड़ी अपनी कंडीशन में, गाड़ी की कंडीशन आप खुद देख सकते हैं। और पैसे भी बहुत जायज़ हैं इस गाड़ी के, तो आप यकीन जाने इन पैसों में तो आजकल मोटरसाइकिल भी नहीं मिलता जो है ना, अगर आप मोटरसाइकिल भी लेते हैं तो वो भी कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का बाइक है जो है ना, नया बाइक अगर आप लेते हैं तो ये तो बहुत जो है ना वायरे की गाड़ी है। वो लेने वाले हजरात रब्ता कर सकते हैं। और ये आप इसकी सीले वगैरह देखें, दरवाज़ों के जोड़ होते हैं, पहले अंदर से आपको चेक करा लूँ एक नज़र, तो फिर आगे फ्रंट भी आपको चेक करवाते हैं। ये स्टेपनी भी पड़ी हुई है, सिलेंडर इसमें बड़ा लगा हुआ है, छत का कपड़ा बताया अगर चेंज करना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से तो वो हो बेशक करा सकते हैं। बाकी कंडीशन आपके सामने गाड़ी की, सफाई सुथराई है कि गाड़ी के अंदर से कोई ख़ास नहीं हुई हुई, और सफाई मांगती है गाड़ी की, सीटें पोशिश वगैरह सारी इसकी उतारी जाए और एक दफ़ा अच्छी तरह से साफ़ कर ली जाए, देख सकते हैं कि कितनी डस्ट वगैरह इसमें पड़ी हुई गंदी है। वो बाकी गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी में कोई इशू नहीं है। ये आपके सामने सारी चीज़ें जो है ना, जो गाड़ी आपको वीडियो में नज़र आ रही है इस तरह मौके पर भी आपको यही गाड़ी मिलेगी, देख सकते हैं कि फ्रंट इसका देख सकते हैं, जोड़ वगैरह इसका देख लें, जोड़ भी बिल्कुल ठीक है, इंजन भी बिल्कुल सही है, साफ़ सुथरा इंजन है और किट भी इसमें एलिजेंडो वाली किट लगी, बड़ी किट लगी हुई है, सीएनजी पे भी चलती है और पेट्रोल पे दोनों पे चालू है। बस गाड़ियाँ होती हैं सीएनजी पे चलती हैं तो फिर पेट्रोल पे चालू नहीं कराई होती, लेकिन ये दोनों चीज़ों पर चल रही है, पेट्रोल पर भी चलती है और सीएनजी पे भी चालू है, तो उसका भी कोई किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं है और होना भी चाहिए, दोनों चीज़ों पे चलनी चाहिए, पेट्रोल भी और गैस भी, अगर आपके पास कभी कभार गैस ख़त्म हो जाती है तो पेट्रोल बैकअप पे होना चाहिए ताकि आप पंप तक पहुंच सकें, या अगर पेट्रोल पे है तो बर मसला नहीं है इतना होता है जो है ना, गाड़ी पेट्रोल पर ज़्यादातर लोग आजकल रख रहे हैं क्योंकि पेट्रोल से एक फ़ायदा ये होता है कि इंजन आपकी गाड़ी का स्मूथ रहता है, ख़राब नहीं होता। तो मैं ख़ुद भी जो है ना इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ कि गाड़ी पेट्रोल पे अगर रहे तो वो गाड़ी का लाइफ बढ़ जाती है, इंजन ज़्यादा टाइम निकालता है बजाय सीएनजी के, सीएनजी कम अरसा निकालती है इंजन। तो ये थी जना दोस्तों गाड़ी की कंडीशन आपके सामने, मुकम्मल गाड़ी का आपको डिटेल के साथ रिव्यू चेक कराया है,
कलर आपके सामने एक गाड़ी का कितना फेड हुआ है कलर, मांगरी गाड़ी, एक दफ़ा बाहर से शावर्ड हो जाए गाड़ी तो अपनी लुक में आ जाएगी। और बहुत सारे लोग जो है ना एफएक्स के शौकीन हैं, तो हर बंदे का अपना शौक होता है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि मेरान के भी शौकीन हैं, एफएक्स के भी हैं, कैरी बुलान के भी हैं, अपनी मर्ज़ी का पसंद पसंद की बात होती है। तो अगर कोई भाई लेना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर लें। अब मॉडल वगैरह वगैरह भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, प्राइस वगैरह भी। 87 मॉडल है और पेशावर नंबर की गाड़ी है, कागज़ क्लियर है, फाइल क्लियर है, वो भी हर चीज़ मौके पे आपको चेक करा दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी। और भाई इसकी डिमांड करते हैं 1 लाख रुपए। तो मैं जैसा कि बताया कि 1 लाख रुपए में तो आजकल बाइक भी नहीं मिलता, बहुत जायज़ पैसों की गाड़ी है। तो कोई भी अगर लेना चाहे तो वो रब्ता कर लें, मौका हाथ से ना जाने दें। बहुत सस्ती गाड़ी है, गाड़ी भी अच्छी है, गाड़ी में किसी किस्म का कोई काम भी नहीं है, हर तरफ से ओके। जो गाड़ी आपको वीडियो में नज़र आ रही है यही गाड़ी आपको मौके पर भी मिलेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो गम वीडियो दिखा गाड़ी दिखा रहे होते हैं तो मौके पे गाड़ी अब कुछ और ही मिले, नहीं ऐसा है बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपके सामने गाड़ी की कंडीशन थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाई को दीजिए इजाज़।